हेलो एवरीवन, दिस इज निकिता देसाई एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉट योर प्रोड्यूसिंग नेट। और आज हम खड़े हैं शाहनपुर शहर में भीमाकाली टेंपल कॉम्प्लेक्स में। सो आज की जो स्टोरी है एंड आज का जो ब्लॉग है वो भीमाकाली टेंपल से रिलेटेड है और शाहनपुर शहर से रिलेटेड है। सो प्लीज़ गो एंड सी द वीडियो टिल द एंड एंड प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। श्राहन शिमला डिस्ट्रिक्ट में आता है और ये शिमला से 170 किलोमीटर अवे एक प्यारा सा टाउन है जहाँ आप कह सकते हो मेरा होम टाउन भी है। आज हम आपको विज़िट कराने वाले हैं और उसकी कई स्टोरीज़ बताने वाले हैं। सो अब पहले आप देख सकते हो वी हैव रीच्ड सर्किट हाउस। ये गवर्नमेंट रन अकोमोडेशन है जो बहुत ही पीसफुल जगह पे है एंड इसका जो आर्किटेक्चर है बहुत ही प्योर एंड इंट्रीक कह सकते हो आप, बिकॉज इससे स्टोन मेसनरी वर्क हो रखा है एंड वो इसको एक रफ लुक भी देता है एंड यू नो नेचुरल लुक देता है और ब्लेंड करता है नेचर के साथ। ये टाउन भीमाकाली माता के आशीर्वाद से ब्लेस्ड है और माना जाता है कि ये 51 शक्ति पीठों में से एक आता है जहाँ पे माता सती का बायां कान दैट मींस लेफ्ट ईयर गिरा था। टेंपल कॉम्प्लेक्स के साथ ही एक हिमाचल टूरिज्म का कॉम्प्लेक्स है या होटल है कह सकते हो, श्रीखंड होटल। और यहाँ पे आपको कोजी स्टे और रेस्टोरेंट मिल सकते हैं जहाँ पे आप टेस्टी फूड एंजॉय कर सकते हो और साथ में टेंपल भी विज़िट कर सकते हो। इसकी फाउंडेशन एक्स लेट चीफ मिनिस्टर राजा वीरभद्र सिंह जी ने ले की थी और ये बहुत ही प्यारा कॉम्प्लेक्स है। और यहाँ पे एक प्यारा सा कॉटेज है, लाइक कॉटेजेस इसके बहुत प्यारे हैं, वुडन कॉटेजेस हैं और स्टोन वर्क भी हुआ है इसमें, स्टोन मेसनरी का वर्क भी हुआ है और यहाँ से बहुत ही प्यारा व्यू देखने को मिलता है और स्पेशली श्रीखंड महादेव का व्यू भी यहाँ से देखने को मिल सकता है आपको। और इसमें जो कार्विंग्स है और जो जाली वर्क हुआ है वो वुडन जाली वर्क जो है बहुत ही प्यारा लगता है एंड इट मेक्स इट रियली ब्यूटिफुल प्रिटी कॉटेजेस जो पुराने लुक में आप कह सकते हो एंड एस्थेटिकली बहुत अच्छा लगता है। यू कैन स्टे हियर। मैं आपको यहाँ से अपना घर भी दिखा सकती थी बट अनफॉर्चुनेटली बहुत फॉग थी। बट चलो हम नेक्स्ट चीज़ दिखाते हैं। तो हम देख रहे हैं अब हमारे यहाँ का पोस्ट ऑफिस एंड यू विल से कि मैं आपको पोस्ट ऑफिस क्यों दिखा रही हूँ। तो पता नहीं, मेरे को ये बहुत ही क्यूट लगता है एंड इसका जो फॉर्म है, बिल्डिंग का फॉर्म, वो एग्जैक्टली सेम है जैसा हमारे यहाँ का टेंपल है और श्रीखंड होटल का भी फॉर्म ऑलमोस्ट सिमिलर है इस पोस्ट ऑफिस के जैसा ही। तो आई फाइंड इट एस्थेटिकली क्यूट एंड ब्यूटिफुल एंड सिंपल टू। इस जगह से जुड़ा है एक और लेजेंड। जैसे कि आपको पता है गॉडेस भीमाकाली री इंकारनेशन ऑफ गॉडेस दुर्गा हैं। तो माना जाता है कि पुराने टाइम में जो पुरानिक एज थी उस टाइम पे जो डीमन किंग राजा बलि था उनका जो बेटा था बाणासुर वो यहाँ का रूलर हुआ करता था पुरानिक टाइम में। और जो उनकी बेटी थी, बाणासुर की बेटी उषा, उसका लव अफेयर था अनिरुद्ध के साथ। और जो अनिरुद्ध था वो राजा प्रद्युमन का बेटा था और जो राजा प्रद्युमन है वो श्री या लॉर्ड कृष्णा के बेटे थे। तो जब लॉर्ड कृष्णा ने बाणासुर को मारा था तो उसको बिहेड करके उसका जो सर था उन्होंने टेंपल के एंट्रेंस पे दफनाया था, जो आज की डेट में एक एलिवेटेड प्लेटफॉर्म है जो
फर्स्ट कोर्टयार्ड ऑफ टेंपल को अप्रोच करता है, तो माना जाता है कि वहाँ पे उसका सर दफन है। और उसके बाद से यहाँ का राजा प्रद्युमन बना था, और उसके बाद से उनकी डायनेस्टी ने यहाँ पे कंटिन्यू किया था रूल करना। तो जितने भी उनके डिसेंडेंट्स थे वो यहाँ के रूलर रहे जब तक ये सॉवरन इंडिया का पार्ट नहीं बना। सो ये भी एक लेजेंड है जो इस जगह से जुड़ा हुआ है और काफ़ी लोग इसे मानते हैं। और जो यहाँ की रॉयल फैमिली है वो मानी जाती है कि वो डिसेंडेंट ऑफ लॉर्ड कृष्णा है। माना जाता है ये टेम्पल अराउंड 800 ईयर्स ओल्ड है, बट इसका प्रॉपर टाइम किसी को नहीं पता ये कब फर्स्ट टाइम कंस्ट्रक्ट हुआ था, दो ये बहुत बड़ी रेनोवेट हो चुका है। और जो ये टेम्पल है ये बेसिकली एक बहुत ही प्यारे आर्किटेक्चरल फॉर्म का पार्ट है। लाइक इसका जो आर्किटेक्चरल स्टाइल है वो हिंदू प्लस बुद्धिस्ट आर्किटेक्चरल स्टाइल है। तो जो ये मेन कॉम्प्लेक्स है आपका, ये तीन कोर्टयार्ड के अराउंड सराउंडेड है। लाइक इसके अराउंड तीन कोर्टयार्ड है जो चारों तरफ से इसको सराउंड करके, और एक टावर टेम्पल है। तो ये जो टावर टेम्पल है बाकी हिमाचल के टावर टेम्पल से इसलिए डिफरेंट है बिकॉज आप कह सकते हो कि इसमें ही विद इन छोटे छोटे टेम्पल्स हैं, और इसी में ही एक ओल्ड रॉयल पैलेस भी है जहाँ पे पहले के टाइम में रॉयल फैमिली रहा करती थी, क्योंकि ये उनकी डेटी हुआ करती थी। तो दे यूज़ टू वर्शिप भीमा काली और उस टाइम पे। और जो ये टेंपल है इसी में गेस्ट हाउस भी है, या रेस्ट हाउस बोल सकते हो आप, तो जिसको सराहन भीमा काली टेंपल का ट्रस्ट रन करता है। सो हमारा ये पीछे टेंपल का कॉम्प्लेक्स जो है एंड ये अब आ रहा है राजा साहब का कॉम्प्लेक्स पैलेस। और आप सामने देख सकते हो ये यहाँ का सिविल हॉस्पिटल। चलो अब हम उनके पैलेस की तरफ चलते हैं। यहाँ पे कुल्लू की तरह सेम दशहरा होता है, यहाँ पे बहुत सारे देवता आते हैं। और ये जो पूरा ग्राउंड है हमारे टाइम में, अभी तो ये काफ़ी बड़े ट्रीज लगते हैं यहाँ पे एप्पल ट्रीज, बट यहाँ पे रथ यात्रा होती थी जहाँ पे इतने सारे। व्हाट डू यू मीन बाय हमारा टाइम? हमारा टाइम है जब हम छोटे थे थोड़े। ओके या जो यहाँ के टेम्पल्स हैं हिमाचल के, वो सारे काटकुनी आर्किटेक्चरल फॉर्म में बने हुए हैं ऑलमोस्ट। और अब हम जाने वाले हैं शांति कुंज की तरफ। एंड ये शांति कुंज पैलेस जो है उसे श्रीखंड व्यू पैलेस भी बोलते हैं। ये ऑलमोस्ट सिमिलर है पदम पैलेस की तरह, बट ये इतना बड़ा नहीं है जितना पदम पैलेस लाइक जायंट दिखता है, एंड इट्स क्वाइट बिग, बट ये ज़्यादा छोटा सा स्ट्रक्चर है। बट स्टिल जो ये रोड आपको सामने दिख रही है ये पूरी की पूरी कवर्ड रहती है दशहरे के टाइम में। और सामने जो ये स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, ये टेंपल, यहाँ पे रघुनाथ जी का रथ रखा जाता है जब भी दशहरा होता है। तो जो मेन भीमा काली कॉम्प्लेक्स से रथ खींच के यहाँ पे लाया जाता है और उन्हें यहाँ पे स्थान दिया जाता है, और बाकी देवता भी यहाँ पे रुकते हैं। तो ये पूरा एरिया इतना कवर्ड होता है ना लोगों से। और उस टाइम पे यहाँ शांति कुंज पैलेस में भी लोग अलाउड होते हैं, और अभी भी लाइक ऐसे लोग आ जा सकते हैं, विज़िट कर सकते हैं। तो ये एक प्राइवेट प्रॉपर्टी है, आप बिल्कुल अंदर नहीं जा सकते, बट गार्डन एरिया यूज़ कर सकते हो अनलेस और अनटिल आप को कहीं हार्म पहुंचा रहे हो या समथिंग लाइक दैट। और इसे बनाया था राजा पद्म सिंह ने 1917 में। और ये यहाँ पे दशहरे के टाइम में ना नाटी लगती है, ट्रेडिशनल डांस होता है, और देवताओं को भी स्थान दिया जाता है। तो आप देख सकते हो इसका आर्किटेक्चर बहुत ही प्यारा है, सारा वुडन वर्क हो रखा है, एंड ओल्ड आर्किटेक्चरल है फॉर्म है ये, हिमाचल आर्किटेक्चरल फॉर्म है। और यहाँ पे बहुत ही वुडन कार्विंग का वर्क कर रखा है, जाली फॉर्म्स है। तो यूजुअली जो हिमाचल में घर थे पहले पुराने टाइम के, वो ऐसे ही फॉर्म में बनते थे। अब हम जाने वाले हैं और दिखाने वाले हैं आपको एक और पैलेस जो इसी का पार्ट है, बट ऊपर जाके, एंड वो हम अंदर एंटर नहीं कर सकते, प्राइवेट प्रॉपर्टी है, बट वो कुंवर पैलेस है। और जैसे आप स्ट्रक्चर्स देख सकते हो, ये मैंने आपको बताया था स्लेट फॉर्म में इन्होंने टेंपल का कंस्ट्रक्शन कर रखा है, और इनके कॉर्नेस ब्यूटीफुली कार्व्ड हैं
ठीक है, और बहुत ही प्यारा वर्क होता है। तो ये हिमाचली आर्किटेक्चर भी बोल सकते हो, क्योंकि पुराने घर भी सिमिलर फॉर्म में ही बनते थे, स्लेट्स और वुडन फॉर्म में, जिनमें कार्विंग हुआ करती थी। तो जो आपको ये ऊपर दिख रहा है ना, ये कुंवर पैलेस है। अब ये शायद ही इतना यूज़ में होता होगा, मेरे को इतना आइडिया नहीं है इस चीज़ का, बट जो रॉयल फैमिली है वो यूजुअली पदम पैलेस में स्टे करती है अगर वो आती हैं यहाँ पे, अदरवाइज दे स्टे इन शिमला। सो ये गेटेड है, ऑलरेडी बंद है, प्राइवेट प्रॉपर्टी है, वी कांट एंटर दैट। बट आप देख सकते हो यहाँ पे हनुमान जी की मूर्ति है, आइडल बन रखी है टॉप पे, एंड ये बहुत ही प्यारा व्यू आप देख सकते हो। ये पूरा कॉम्प्लेक्स कितना स्ट्रेच्ड आउट है, कितने ज़्यादा एरिया में। सो अब हम चल रहे हैं नलाटी स्टेडियम की तरफ, और ये है हमारे यहाँ का लोकल स्टेडियम, जो थोड़ी ही दूर है टेंपल कॉम्प्लेक्स से, और यहाँ पे लोकल मैचेस होते हैं, बच्चे खेलने आते हैं। सो आज का व्लॉग होता है यहीं पे ख़त्म, बट मैं आपको बर्ड सेंचुरी तो दिखाना ही भूली तो नहीं, बट वो काफ़ी ऊपर जाकर है एंड उसकी एक स्पेसिफिक टाइमिंग्स होते हैं। तो यहाँ पे एक बर्ड सेंचुरी भी है जहाँ पे वेस्टर्न ट्रेगोपैन का ब्रीडिंग सेंटर है। जैसे कि आपको पता है वेस्टर्न ट्रेगोपैन हिमाचल की स्टेट बर्ड है, एंड एक टाइम पे ये एक्सटिंक्ट स्पीशीज़ भी बनने वाली थी, बट अभी ये इंडेंजर्ड स्पीशीज़ में आती है, और ये सिर्फ नॉर्दर्न पार्ट में हिमाचल में सराहन में ही ब्रीडिंग सेंटर है इसका, और कहीं पे भी नहीं है। एंड तो ये वीडियो यहाँ पे ख़त्म तो हो गई है, बट अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है और शेयर नहीं किया है और चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया है, तो अभी जाकर करो ताकि नेक्स्ट वीडियो आप देखना ना भूलो। एंड अपना फीडबैक प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ, ताकि मैं इम्प्रूवमेंट कर सकूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, एंड सी यू सून इन अनदर वीडियो। बाय बाय, टिल देन टेक केयर।